you make me feel so. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राजा फियाज एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मल्टी हाउस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस जो है वो आपको पसंद आ रही होगी। तो सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए। जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इस पर आपने क्लिक करना है और नोटिफिकेशन को ऑन करना है। उससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो ऐड करूँगा, अपलोड करूंगा, तो आपको बजरिए नोटिफिकेशन मैसेज जो है वो मिल जाएगा, जिससे आप जो है मेरी वीडियोस जो है डायरेक्टली आप देख सकते हैं। यानी कि आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आए कोई इस चैनल पे कोई वीडियो न्यू अपलोड हुई है या नहीं हुई है। तो विंडो इंस्टॉलेशन इस तरह की बहुत सारी जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ट्रेनिंग के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। मोबाइल के हवाले से है, मोबाइल हार्ड रिसेट वगैरह है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। और इसके अलावा जो है जिस सॉफ्टवेयर की मैंने इसमें ट्रेनिंग दी है उसका जो लिंक है उसी वीडियो के नीचे है, आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वहाँ से आप डाउनलोड ना कर सकें तो मेरी एक ब्लॉग वेबसाइट है जिसका नेम है multihousevideo.blogspot.com। आप वहाँ पर जाके जो सॉफ्टवेयर का पेज है, सॉफ्टवेयर पे क्लिक करता हूँ, ये देखें ये सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं यहाँ पे, आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके अलावा आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये कि एमएस ऑफिस का लास्ट टाइम जो है हम पहुँचे थे इंसर्ट मेन्यू तक। तो आज जो है मैं आपको बताऊंगा कि पेज लेआउट क्या चीज़ है। तो पेज लेआउट जो है आप जिस पेज पे काम कर रहे हैं पेज लेआउट कहलाता है। पेज के साइज़, पेज की साइज़ आपने बड़ी करनी है, पेज के जो बॉर्डर है उसको चेंज करना है, यानी पेज को कलर करना है, पेज से जो मुतल्लिक जो चीज़ें हैं वो पेज लेआउट के ऑप्शन में है। जैसे कि मैं यहाँ पर जो है तो सबसे पहले हेडिंग देता हूँ, तो ये जो है मैंने थोड़ी सी टाइपिंग की है ताकि आपको जो है पेज लेआउट के बारे में बता सकूं। तो सबसे पहले है यहाँ पर मार्जिन है, सबसे पहले यहाँ पर थीम्स है, पेज की जो है थीम्स बनी हुई हैं। आप किसी भी किस्म का जो थीम्स है यहाँ से आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जो है ये थीम सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए ऑटोमेटिकली जो है आपकी जो हेडिंग है वो भी चेंज हो जाएगी, जो फॉन्ट स्टाइल वगैरह जो साइज़ वगैरह वो भी चेंज हो जाएगी इस थीम्स के ज़रिए। उसके बाद यहाँ पर इफेक्ट वगैरह है, इफेक्ट वगैरह किसी तरह का आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं, कलर्स हैं, कलर्स के बाद ये फॉन्ट साइज हैं, ये देखें। तो उसके बाद जो था इफेक्ट है, फॉन्ट इफेक्ट लाया शायद नहीं हो रहा। फाउंड इफेक्ट के बाद है, अल्लाह भला करे, ये मार्जिन, यानी कि ये जो फासला है
आप देख रहे होंगे इस टेक्स्ट हेडिंग के ऊपर, और ये साइड बार में ये देखें यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है, इस तरफ देखें यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है, इसको मार्जिन कहते हैं। यानी कि इसका जो मार्जिन है, ये फासले को जो सेट करना है आपने, कितना फासला चाहिए पेज में आपको, तो ये वो चीज़ है। अब जो है मार्जिन इसको कम भी कर सकते हैं, कुछ बने बनाए ऑप्शंस हैं, आप इसे डायरेक्टली सेट कर सकते हैं। ये देखें ये वाला सेलेक्ट हुआ हुआ है। अब जो है मैं इसको करता हूँ, तो ये देखें ऊपर नीचे जो है फासला बढ़ गया। मैं इसको करता हूँ, तो ये देखें, ये देखें, अब सबसे ऊपर करता हूँ, ये देखें कितना फासला है, तो ये सिलेक्ट हुआ था, इसे करता हूँ, अब देखें फासला कम हो गया। तो मार्जिन जो है इस चीज़ के लिए। और इसके अलावा अगर आप अपना मार्जिन बनाना चाहते हैं, तो नीचे लिखा हुआ है कस्टम मार्जिन, आप यहाँ से अपने हिसाब का जो मार्जिन है, ये देखें टॉप इतना, लेफ्ट इतना, और बॉटम इतना, और राइट इतना, ये जो है आप सेट करके ओके करके आप अपना एक बना सकते हैं मार्जिन। तो उसके बाद जो है यहाँ पे लैंडस्केप, आप पेज को किस तरीके से देखना चाहते हैं, लंबाई में या जो है लैंडस्केप में, यानी कि किस तरह चौड़ाई में। तो ज़्यादातर जो है हम लंबाई में ही देखते हैं। उसके बाद जो है साइज़, पेज का साइज़ क्या हो। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इसमें तो बहुत सारे यानी कि साइज़ हैं, आप कोई भी साइज़ का पेपर बना सकते हैं, लेकिन जो यूज़ेबल जो साइज़ है वो है A4। अगर आपके पास प्रिंटर है, और ये प्रिंटर में जो नॉर्मल पेज चलता है वो है A4 का, तो हमेशा जो भी चीज़ टाइप करें वो A4 के अंदर टाइप करें। इसमें ये होगा कि आपका जो पेज है, आपकी जो टाइपिंग है, जब आप प्रिंट निकालेंगे तो वो जो है ख़राब नहीं होगा। यानी कि अक्सर ऐसा होता है कि हमने पेज तो बना लिया, अब जब प्रिंट कर रहे हैं भाई, वो प्रिंट में आधा आ गया, आधा आया ही नहीं, आधा जो है अगले पेज में आ रहा है, तो इस तरह के बहुत सारे मसले होते हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि हमने जो है वो पेज का साइज़ जो है वो चेंज रखा हुआ होता है, हम चेंज पेज साइज़ में काम कर रहे होते हैं। तो A4 को रखें, ताकि जो है आपको किसी तरह की जो है परेशानी ना हो। उसके बाद कॉलम है, अक्सर आपने बुक में देखा होगा कि मैं किस तरह आपको बताऊँ, शेर व शायरी लिख के लें या कोई कहानी ले लें बच्चों की, तो इसमें बीच में लाइन होती है, दो तरफ जो है लिखे हुए होते हैं। इसमें हम डबल कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें, अगर मेरे पास टाइपिंग ज़्यादा होती तो यहाँ पर एक लाइन आ जाती, और बाकी जो है हिस्सा वो यहाँ पर टाइप हुआ होता अलग से, जैसे ये यहाँ पर है। ये अक्सर शेर व शायरी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के बहुत सारे कॉलम हैं, ये थर्ड कॉलम है, यानी कि तीन इसमें हिस्सों में, राइट कॉलम, और वैसे यूजली तो वन कॉलम में ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं कंट्रोल जेड को करता हूँ। अच्छा, कोई भी मिस्टेक हो जाए आप जो है बैक जा सकते हैं कंट्रोल जेड की मदद से। उसके बाद ब्रेक है, ब्रेक का मकसद है कि आपने जो टाइप किया हुआ है, आपने उस लाइन को कहाँ से ब्रेक करना है, कहाँ से तोड़ना है। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से जो है ये बाकी लाइन जो है नीचे आ जाए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट वेपन ब्रेक, ये देखें मैंने टेक्स्ट वेपन ब्रेक में किया है, तो ये नीचे आ गया। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और मैं ब्रेक करता हूँ पेज ब्रेक। अगर मैं पेज करता हूँ, ये देखें यहाँ से यहाँ पर मेरा ये एडिटिंग है, एडिटिंग डॉट है, मैं यहाँ से पेज ब्रेक करता हूँ, तो जो बाकी जो हिस्सा है वो सेकेंड पेज पर आ जाएगा। ये देखें नीचे एक और पेज आ गया, और सेकंड पेज में अक्सर हम चाह रहे होते हैं कि भाई 6 लाइनें इस पेज में रहे, बाकी जो है 3-4 लाइनें जो अगले पेज पे आ जाए, तो उसके लिए हम पेज ब्रेक करते हैं कंट्रोल जेड। उसके बाद लाइन नंबर है, स्टार्ट पेज पे है पेंट, तो ये तो खैर इतना इस्तेमाल नहीं होता। उसके बाद वाटरमार्क है, वाटरमार्क आपने देखा होगा कुछ बुक के बैकग्राउंड में लिखा होता है, इट इज़ नॉट फॉर सेल। जो गवर्नमेंट की स्पेशल जो गवर्नमेंट की बुक्स होती हैं उनमें ये लिखा हुआ होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिलता है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये कुछ यहाँ पर जो है डिज़ाइन बने हुए हैं। मैं इसको सिंपल इसको इस्तेमाल करता हूँ, नोट कॉपी ये इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये देखें,
अब मैं कोई भी टाइपिंग करूँगा तो ये जो है बैकग्राउंड में रुका रहेगा। लाइन जो है वो ऊपर है, बाकी जो नोट कॉपी है ये पीछे है। तो इस तरह का आप जो है वाटर मार्क आप दे सकते हैं। अगर आप जो है अपना वाटर मार्क जो है वो बनाना चाह रहे हैं तो कस्टम पे जाएं। कस्टम के ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर ये देखिए पिक्चर का ऑप्शन है, आप जो है पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं आपने जो लिखना है। अब यहाँ पर देखिए डू नॉट कॉपी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपने चैनल का नेम लिख देता हूँ आपको सिर्फ बताने के लिए, मल्टी एचओएच, मैं इसको बड़ी स्पेलिंग में कर लेता हूँ, मल्टी एचओएच लिखा हुआ। ये देखें और मैं जो है इसको अप्लाई करता हूँ। ये देखें आप देख रहे होंगे पीछे लिखा हुआ आ गया मल्टी हाउस वीडियो। और यहाँ से इसका देखिए कलर है जो हम जो है कलर चेंज कर सकते हैं किसी भी तरह का। मैं ग्रीन वैसे ज़्यादा पसंद है मुझे। ये देखें आप इसको डार्क कर सकते हैं लेकिन जो लाइट है ना ये ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इस तरह का आप वाटर मार्क अपने पेज में लगा सकते हैं। उसके बाद है पेज कलर। वैसे तो पेज कलर हम लोग नहीं करते लेकिन अगर आप करना चाहें तो ये देखें जो बैकग्राउंड पेज है वो आप तरीके से कलर कर सकते हैं। ये हो गया आपका पेज कलर। उसके बाद है मैं पेज कलर को कुछ खास नहीं लग रहा, वाइट ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो उसके बाद है पेज बॉर्डर। बॉर्डर से मुराद ये जो साइड का हिस्सा है, अक्सर इसमें डिज़ाइन बना हुआ होता है शेर व शायरी या बुक वगैरह में, तो आप जो है वो डिज़ाइन यहाँ से बना सकते हैं। मैं ये देखें ये पेज में साइड में जो इसका प्रीव्यू ये भी नज़र आ रहा है कि आपको कैसा नज़र आएगा। ये ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर कुछ डिज़ाइन हैं साइड में बने बनाए भी हैं बॉक्स में आ जाए, तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ। ये देखें ये आप देख रहे होंगे साइड में बॉर्डर बना हुआ आ गया और ये कुछ डिज़ाइन है यहाँ पे। हाँ मैं इसको ले लेता हूँ, ये यहाँ पर आ गया। तो इस तरह के जो है आप बॉर्डर वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं, लाइन के नीचे इस तरह की डिज़ाइनिंग ऐड कर सकते हैं और बहुत कुछ है। और इसके अलावा जो है पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन, आपने पोजीशन को कैसे लेना है, जो आपने सेलेक्ट किया होगा ये उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ये देखें आप यहाँ अगर आपने पिक्चर ऐड किया हुआ तो आप उस पिक्चर की जो है पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये देखें सब तो नीचे चला गया पेज के। और ब्रिंग पॉइंट, सेंड टू बैक, टेक्स्ट वेपन, तो ये था, ये जो था आपका पेज लेआउट मेन्यू, जिसमें आपने देखा कि आप इसमें कौन कौन से ऑप्शन जो हैं आपके यूज़ में आने वाले हैं और आपको आप जो इसमें रोज़मर्रा के वर्क में यानी कि काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें इसे। और अगर आपने, मैं एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और हमें जो है फेसबुक ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, ताकि इस तरह की जो ट्रेनिंग है वो आप बिल्कुल फ्री घर बैठे सीख सकें। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अपना अड़ोस पड़ोस की ख्याल रखें और माँ बाप की खिदमत कीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।